Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8, chapter 9, algebraic expressions and identities. We have already discussed introduction video of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist for class 8. इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज, इन सब के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई टर्म्स एंड कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5x y z square minus 3z y। तो ये जो हमें टर्म दी हुई है स्टूडेंट्स, ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म्स और कोफिशेंट्स को लिखना है कि कौन सी इसमें टर्म है, कौन सी इसमें कोफिशेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं और कोफिशेंट क्या होते हैं, उसके बारे में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ 2x plus 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x यहाँ पे एक टर्म है और प्लस के साइन से ये दोनों जो डिफरेंट ये वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट इनमें रिलेशन है, ये एक एक्सप्रेशन बना है। सो प्लस के बाद जो सेकंड प्लेस पे है वो हमारी सेकंड टर्म है। सो ये क्या है हमारी टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कोफिशेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे एक्स, एक्स का कोफिशेंट एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो क्या मल्टीप्लाई में है, 2, और 2 का कोफिशेंट क्या है, एक्स। इसी टाइप से 3 का कोफिशेंट क्या है, 3 के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स 1 है। सो 3 का कोफिशेंट 1 है। सो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो अब इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको चेक करते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्रेशन क्या है, 5xyz square minus 3zy। तो स्टूडेंट्स टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, ये हमारी टर्म्स क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स प्लस और माइनस के साइन से डिफरेंट से डिफर करते हैं, मीन्स उनको अलग अलग किया जाता है, तो वो हमारे क्या बनाते हैं, टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, सो टर्म कौन सी हमारी, 5xyz square फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या बनेगी, माइनस का साइन हम साथ में लेंगे स्टूडेंट्स, तो सेकंड टर्म क्या बनेगी, -3zy। ओके स्टूडेंट्स, सो कोफिशिएंट, जब भी कोफिशिएंट की बात होगी, वैसे तो वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट में भी हो सकते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म देखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये सभी तो क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स, इनके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, 5। सो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 5, और -3zy। तो यहाँ पे जेड और वाई क्या है, वेरिएबल्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -3। जो साइन साथ में स्टूडेंट्स, उसी साइन का हमें यूज करना है। यहाँ पे 5 के साथ कोई साइन नहीं था, मीन्स प्लस का साइन है, तो हम प्लस का साइन तो कॉमन अंडरस्टूड होता है कि प्लस का ही है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का 5 है, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो हमें माइनस को लिखना पड़ेगा। सो जेड वाई का कोफिशियंट क्या बनेगा, -3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एड ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी। तो हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2, 3। इन तीनों को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें किसका ध्यान रखना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स का। लाइक टर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जिनके वेरिएबल्स जो साथ में होते हैं वो वेरिएबल सेम हो। जैसे एक हमारे पास है 3x, इसमें प्लस किसको करना है, 2x को। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 के साथ भी x है और 2 के साथ भी x है, और दोनों की पावर कितनी है, 1, 1 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 plus 2 equal to 5, और x सेम है, दोनों में x सेम रहेगा। सो 3x plus 2x equal to 5x। बट स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास है 3x plus 2y है, यहाँ तो वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे x है और यहाँ y है,
तो हम इनको ऐसे का ऐसा रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 3 + 2 = 5xy. नो स्टूडेंट्स, दैट्स रॉन्ग. ये दोनों टर्म्स जो हैं डिफरेंट ही लिखी जाएंगी. हम लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड करते हैं और लाइक टर्म में ही लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमें क्या करना है, 2x + 3y, इसमें किसको ऐड करना है, 7x + 4z को. ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इनको हमें ऐड करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे हम. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स. एक्स यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, और 7 के साथ भी वेरिएबल क्या है, x और पावर कितनी है, 1. तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. 7 + 2 = 9x. 3y की और कोई टर्म है यहाँ पे, नहीं. तो प्लस 3y को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे. और z की कोई टर्म है, ओनली 4z है, तो प्लस 4z ऐसे लिखेंगे. ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स कि 9, 3 और 4 को भी ऐड कर देंगे. नो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ लाइक टर्म को ही ऐड करना है. जो अनलाइक टर्म है उनको हम ऐसे ही लिखेंगे. एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स लाइक टर्म की. लाइक टर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम वेरिएबल. लाइक टर्म किससे बनती है, सेम वेरिएबल से. एंड पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स आर सेम. और जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर भी क्या होगी, सेम. कोफिशियंट ऑफ लाइक टर्म नीड नॉट बी सेम. कोफिशियंट का सेम होना जरूरी नहीं है. जैसे यहाँ पे एक्स और 9x, इनके साथ कोफिशियंट, इनके जो वेरिएबल क्या है, एक्स और एक्स, और दोनों की पावर 1-1 है, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म. ओके स्टूडेंट्स, और अनलाइक कौन सी होती हैं, जिनमें डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट पावर हो. जैसे 2y और 9x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ वेरिएबल है y, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, और सी ए माइनस ए बी को ऐड करना है. जैसे स्टूडेंट्स आपको ऐड करना हो 3 + 5 + 7, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे. 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15. बट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं. हमें लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं. पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, उसको लिखेंगे ए बी माइनस बी सी. फिर क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बी सी, और यहाँ पे भी बी सी है. सो बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, बी सी की टर्म लिखेंगे. सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, बी सी माइनस सी ए. सी ए यहाँ ए बी के नीचे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी और सी ए डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे ए बी अलग है और सी ए अलग है. ऐसा नहीं है कि दोनों में ए है तो दोनों को ऐड कर देंगे. नो स्टूडेंट्स, वो था डिफरेंट. नेक्स्ट थर्ड क्या एक्सप्रेशन हमारे पास, सी ए. तो देखिए स्टूडेंट, सी ए सी ए लाइक है, लाइक टर्म है हमारे पास. तो सी ए के नीचे इस सी ए को लिखेंगे. सी ए कोई साइन या मीन्स प्लस का साइन है, और माइनस ए बी. तो माइनस ए बी यहाँ पे भी ए बी है, तो ए बी को ए बी के नीचे लिखेंगे. सो ए बी यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे ए बी क्या है, माइनस का. और जो प्लेसेस छूट गए वहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जीरो प्लस. यहाँ पे भी कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पे भी जीरो प्लस, और यहाँ पे भी जीरो प्लस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है. तो ऐड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी प्लस का है और यहाँ पे ए बी माइनस का है. कोई कोफिशियंट नहीं है मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 ए बी माइनस ए बी. तो ए बी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीरो मीन्स कुछ नहीं है. तो ए बी माइनस ए बी मीन्स 1 - 1 = 0. तो यहाँ क्या है, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 0. तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 0. फिर प्लस यहाँ पे 0, माइनस बी सी प्लस बी सी. यहाँ क्या स्टूडेंट्स, माइनस बी सी प्लस बी सी मीन्स बी सी में से बी सी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा, 0. क्योंकि इसका कोफिशियंट कितना है, माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का 1. माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो इसी टाइप से माइनस बी सी प्लस बी सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 0. और नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, माइनस सी ए प्लस सी ए. सी ए में से सी ए को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन्स यहाँ पे भी क्या बचेगा, 0. तो आंसर हमारा कितना रहेगा स्टूडेंट, 0. ओके स्टूडेंट्स, और हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकंड एक्सप्रेशन, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब के बीच में ऐड का एडिशन का साइन लगाना है, फिर हमें क्या करना होगा लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी, क्या ए बी की और कोई टर्म है यहाँ, ए बी ये रहा स्टूडेंट्स, तो ए बी माइनस ए बी कितना बचेगा, जीरो, ए बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही माइनस बी सी प्लस बी सी, बी सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, और सी ए माइनस सी ए, सी ए में से सी ए को सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे, बट स्टूडेंट आपको जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली यहीं पे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐड करना है तो यहीं पे आप ऐड का साइन लगा के ए बी माइनस ए बी जीरो बन गया, माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो, और माइनस सी ए प्लस सी ए जीरो, तो आंसर क्या रहेगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। तो स्टूडेंट्स एक तो क्या तरीका रहेगा, सबके बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन प्लस थर्ड एक्सप्रेशन प्लस फोर्थ एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास कितने फोर एक्सप्रेशन है, सबके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे, जैसे एल स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर, वन एल स्क्वायर प्लस वन एल स्क्वायर इक्वल टू टू एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मीन्स वन एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर इक्वल टू टू एम स्क्वायर, नेक्स्ट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स वन टाइम एल स्क्वायर यहाँ है और वन टाइम यहाँ है, वन प्लस वन टू, सो टू एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म है टू एल एम, टू एम एन और टू एन एल, तो इनमें सबके वेरिएबल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट है, यहाँ पे एल एम है, यहाँ एम एन और यहाँ एन एल, तो सभी अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एल एन, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप सेकंड टाइप से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ऐड किया था ऐसे ही सेकंड को भी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उसके नीचे सेकंड जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, तो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर रहेगा और एन स्क्वायर हमारा डिफरेंट रहेगा, मीन्स अलग से इसको लिख देंगे, फिर एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी है, तो फर्स्ट में एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर और एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर, फिर जो फोर्थ एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन की लाइक टर्म इसके अंदर नहीं है, ये सभी क्या अनलाइक टर्म है तो इनको हम डिफरेंटली लिखेंगे, और क्या करेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस, ताकि आपको ईजी रहे ऐड करने में, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू टू एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू टू एम स्क्वायर, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे बीच में क्योंकि प्लस का ही साइन है, और एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर, फिर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें भी हमारा ये आंसर रहेगा, और इस टाइप से आप ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7a प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। मीन्स स्टूडेंट हमें क्या करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7a प्लस 3b प्लस 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा कि हमें फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, बट नो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस मीन्स इसमें से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, ऊपर क्या लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन 4a, और ये क्या स्टूडेंट्स 12a, तो ये क्या हमारी लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि a वेरिएबल दोनों में सेम है और a की पावर दोनों में 1 है। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे 4a माइनस 7ab,
तो ए बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों लाइक टर्म है, तो 9AB के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7AB। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्लस 3B, 3B को क्या लिखेंगे, 5B के नीचे, और प्लस 12 को माइनस 3 के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस का। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स 12 - 4 = 8, और ए है तो ए लगाएंगे, सो 12a - 4a = 8a। माइनस 9ab प्लस 7ab, आप ऐसे देखिए, माइनस 9 + 7, माइनस 9 + 7 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 7 = 2, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 जो है, 9 बड़ा है, बिग नंबर है, और 7 स्मॉल है, तो जो भी बिग नंबर होता है उसी का साइन होता है, तो माइनस 2, तो माइनस 2, और ए भी यहाँ पे वेरिएबल है तो ए भी लिखेंगे। नेक्स्ट 5b - 3b = 2b, प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ कौन सा साइन आया था स्टूडेंट्स, माइनस का, और यहाँ -3 - 12, क्या स्टूडेंट्स, -3 - 12, तो दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 12 + 3 = कितना होता है, 15, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, सो -15, सो दिस इज आवर आंसर। और सेकंड मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम, फिर माइनस सेकंड एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स, जब माइनस बाहर होता है तो अंदर के एक्सप्रेशन के साइन को हमें चेंज करना होता है जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर माइनस का, यहाँ 4a के साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये किसका बन जाएगा, माइनस का, 7a प्लस का बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, सो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 12a - 9ab + 5b - 3 - 4a + 7ab - 3b - 12। ओके स्टूडेंट, जब भी बाहर का माइनस का साइन होता है तो एक्सप्रेशन के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा, लाइक टर्म को एक कलेक्ट करेंगे, 12a - 4a, 12a प्लस का है, 4a माइनस का, सो 12 - 4 = कितना आएगा, या फिर हमने क्या किया, एक और स्टेप लिखा, 12a और 4a को कलेक्ट किया, एक साथ लिखा हमने, फिर 9ab की टर्म ये रही हमारे पास 7ab, सो -9ab + 7ab, प्लस नेक्स्ट टर्म b की है तो 5b और -3b, सो 5b + 5b - 3b, और नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट रिमेनिंग रहेगा -3 - 12। ओके स्टूडेंट्स, सो 12a - 4 = 8a, 9 - 7 = 2, माइनस का आएगा -2, और ए भी वेरिएबल है दोनों में तो ए भी रहेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5b - 3b = 2b, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 - 12 = -15। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल में से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा नहीं आप 3 को 5b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो, आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट, जो भी वेरिएबल है उसके कोफिशेंट में से उसी के कोफिशेंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज दूसरे कोफिशेंट को टच नहीं करना है, सो इस टाइप से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्ट्रैक्ट 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10 फ्रॉम 18 - 3p - 11q - 5pq - 2pq² + 5p² मीन्स फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सेम स्टेप रहेगा, पहले हम ऊपर जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, सो सेकंड एक्सप्रेशन को हमने लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड एक्सप्रेशन को, बट हमें क्या ध्यान रखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएंगी, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 4p² क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो सेकंड एक्सप्रेशन था उसमें 4p² की टर्म है, 4p² ये रही, तो 5p² के नीचे क्या लिखेंगे, 4p², और साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं होता था, इट मीन्स प्लस का साइन है। नेक्स्ट
माइनस थ्री पी क्यू, तो ये रहा हमारे पास 5pq के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस 3pq। नेक्स्ट प्लस 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर की ये टर्म है, इसके नीचे क्या लिखेंगे प्लस 5pq स्क्वायर, माइनस 8p, p की टर्म है हमारे पास माइनस 8p, ये रहा 3p के नीचे क्या लिखेंगे माइनस 8p, और 7q, q की भी टर्म है हमारे पास कहाँ है माइनस 11q के नीचे क्या लिखेंगे प्लस 7q, और माइनस 10 को किसके नीचे लिखेंगे 18 के नीचे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हमने एक साथ लिखे, फिर पी की टर्म के नीचे पी की टर्म, फिर क्यू पी क्यू पी क्यू स्क्वायर 5p² q। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 8 है प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस 7q माइनस, माइनस 3pq प्लस, प्लस 5pq माइनस, प्लस 4p² q माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 इक्वल टू 28, माइनस 3p प्लस 8q, कैसे स्टूडेंट्स, माइनस 3p प्लस 8p, तो क्या करेंगे 8p में से 3p को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, सो 5p जो वेरिएबल है वही लिखेंगे 5p। नेक्स्ट माइनस 11 माइनस 7q, माइनस 11q माइनस 7q, तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है कोफिशियंट माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस 18q, सो माइनस 18q। नेक्स्ट रहेगा प्लस 5pq माइनस 3pq, 5 में से 3 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस का था तो यहाँ पे साइन चेंज होके प्लस का हो गया, सो 5pq प्लस 3pq, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, सो 8pq। नेक्स्ट माइनस 2pq स्क्वायर और माइनस 5pq स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों हमारे माइनस में चेंज हो गए। नेक्स्ट इज 5p² q माइनस 4p² q, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, सो 1 को हम लिखते नहीं है, कॉमन अंडरस्टूड होता है, सो 1p² q, सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम सेकंड मेथड से करते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq प्लस माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p² q में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 4p² q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको सेम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, और नेक्स्ट जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको ओपन करते हुए क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो सबके साइन चेंज कर दिया, अब ओपन करेंगे ब्रैकेट, सो माइनस p² q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q और प्लस 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 18 कॉन्स्टेंट है और 10 कॉन्स्टेंट है, सो 18 और 10 को कलेक्ट करेंगे, एक साथ लिखेंगे, फिर माइनस 3p, 3p की टर्म को फाइंड आउट करेंगे, माइनस 3p और प्लस 8p, इनको एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट 11q, q की टर्म को कलेक्ट करेंगे और 7q, सो 11q माइनस 7q। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5pq और 3pq, इनको एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट 2pq स्क्वायर और 2pq माइनस 5pq स्क्वायर, दोनों को कलेक्ट करेंगे, और लास्ट में हमारे ये दोनों जो टर्म है ये सेम वेरिएबल हैं, इसमें p² q और इसमें भी p² q, सो दोनों को एक साथ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, 18 प्लस 10 इक्वल टू 28, माइनस 3p प्लस 8p, मीन्स 8 में से 3p को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और p रहेगा हमारा वेरिएबल। नेक्स्ट 11 माइनस 7, माइनस 11 माइनस 7 इक्वल टू 18, दोनों ऐड हो जाएंगे 18, और साइन किसका रहेगा माइनस का और क्यू। नेक्स्ट 5p² q और 5pq प्लस 3pq, मीन्स 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, प्लस का साइन है और pq। नेक्स्ट इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, तो माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 7, और माइनस 7pq स्क्वायर।
नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5p² q - 4p² q, 5 - 4 इक्वल टू 1 और p² q, सो दिस इज आर आंसर। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.